my channel. Hope you guys all are doing amazing. So in today's video I'm gonna be share with you guys this glamorous makeup look. And ye jo makeup look hai ye hai specially for new year evening. सो न्यू ईयर इवनिंग में हम लोग का बहुत सारा प्लान रहता है, जैसे कि घूमने जाना, डिनर पे जाना, मूवीज देखना एंड पार्टी वार्टी तो बनता ही है. सो इसीलिए हम लोग को क्या चाहिए होता है कि एक सॉफ्ट लेकिन ग्लैमरस मेकअप लुक. सो इसीलिए मैं आज ये मेकअप लुक आप लोग के साथ शेयर करूँगी. एंड इफ़ यू आर गाइज इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. एंड अगर आप मेरे चैनल पर हो न्यू देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आप लोग ऐसे वीडियो देख सको. सो विदाउट एनी फर्दर टू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट आई एम अप्लाइंग अ मॉइस्चराइजर एंड आई एम अप्लाइंग वैसलीन कोका ग्लो मॉइस्चराइजर. कोई भी मेकअप करने से पहले हमेशा एक मॉइस्चराइजर यूज़ किया कीजिए. देन आई एम यूजिंग मेकअप प्राइमर एंड आई एम यूजिंग नायका प्रेपअप मेकअप प्राइमर एंड इट्स अ रियली गुड सिलिकॉन बेस्ड मेकअप प्राइमर. Then I am using my concealer and I am using Wet n Wild Photo Focus Concealer in the shade medium. And इसको मैं अपनी crease area पर apply कर लूँगी ताकि मेरी जो dark circles है वो cover up हो जाए. For blending my concealer I am using Wet n Wild Flat Top Brush. And ये जो blending brush है ये एक बहुत ही अच्छा blending brush है. Concealer को blend करने के बाद I am using Maybelline Fit Me Powder for set my concealer. Then I will take this brown shade from the Swiss Beauty eyeshadow palette and एक blending brush की मदद से अपनी crease area पर अच्छी तरीके से इसको blend कर लूँगी. And आज मैं एक ही shade use करूँगी क्योंकि ये एक soft glam look है. Then I will take this golden bronzy shade from this in color eyeshadow palette and इसको मैं अपनी fingertip पे लेकर अपनी eyeball area को अच्छी तरीके से highlight कर दूंगी and fingertip की मदद से इसको blend कर लूंगी ताकि मेरी जो eyes है वो brighter दिखे. For my eyeliner today I am using Faces Canada Kajal and I really really love this kajal because it's so dark, so pigmented and it's so soft for my eyes. And इसको मैं अपनी upper lash line पर as a eyeliner use कर लूँगी and थोड़ा सा हल्का सा wig बना लूँगी अपने outer corner पे. For blending my eyeshadow, I am using this pack eyeshadow brush and इसकी मदद से मैं अपनी काजल को अच्छी तरीके से blend कर लूँगी ताकि काजल की जो darkness है वो कम हो जाए and मेरी eyes को एक soft look provide करे. I am using the same Faces Canada Kajal for my lower lash line and my waterline also. And kajal को apply करने के बाद मैं same process से pack की जो brush है उस brush की मदद से अपनी lower lash line की जो kajal है अच्छी तरीके से blend कर दूंगी. Then I will take the same brown shade from the same eyeshadow palette and same brush की मदद से अपनी lower lash line area को अच्छी तरीके से smudge कर लूंगी. For my mascara today I am using Maybelline Volume Express Hyper Curl Mascara in the shade Washable Black. For my brows today I am using Maybelline Duo Brow Kit and I am really love this brow kit क्योंकि इसकी एक साइड पर है brow pencil and दूसरे साइड पर है brow powder in the shade brown. पहले तो मैं पेंसिल की मदद से अपनी ब्रोज की जो गैप्स है उसको अच्छे तरीके से फील कर लूँगी एंड उसके बाद जो पाउडर साइड है उसे पाउडर की मदद से मैं फील किया हुआ जो गैप्स है उसको अच्छे से डार्कन कर लूँगी. Then I am using the same concealer, the Wet n Wild Photo Focus Concealer in the shade medium for cleaning my brows. उसके बाद मैं सेम कंसीलर यूज़ करूँगी अपनी अंडर आई एरिया पर अपनी डार्क सर्कल्स को कवर करने.
उसके बाद मैं सेम कंसीलर अपनी फोरहेड एरिया, अपनी नोज़ एरिया, माउथ एरिया पे अप्लाई कर लूँगी एंड जहाँ जहाँ पर मेरी पिगमेंटेशन है उधर भी मैं अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरी जो डार्क स्पॉट्स है वो कवर अप हो जाए। अपनी ब्यूटी स्पंज को वेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर एंड उसी ब्यूटी स्पंज की मदद से मैं अपनी कंसीलर को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। For my foundation today I am using these two foundation, the Faces Canada foundation and the L'Oreal Paris True Match foundation. इस दोनों foundation को एक साथ mix करके मैं अपनी full face and neck पर apply कर लूँगी। For blending my foundation I am using the Wet n Wild flat top brush. For set my foundation, I am using Maybelline Fit Me Compact. For my contour, today I am using LA Color HD Contour Palette. And इसी palette से contour shade को लेकर मैं अपनी cheeks area, अपनी nose area and अपनी forehead area को अच्छी तरीके से contour कर लूँगी। I will take this blush from the same palette and I will apply it on my cheeks. For highlight my inner eye corner, I am using Miss Claire highlighter. I will apply the same highlighter on my brow bones, my cheekbones, my nose and my lips also. For my lips today I am using the Maybelline and the Faces Canada matte lipstick and इसी दोनों lipstick को एक साथ mix करके मैं आज apply करूँगी। Then makeup को fix करने के लिए I am using the Swiss Beauty makeup fixer. So yeah guys, I am ready for New Year party.